السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمنك أهل إيمان سے خطاب اس عنوان چل رہی ريه الله سبحانه وتعالى نے يا أيها الذين آمنوا کر کے ہم مسلمانوں کو هم مسلمانوكو کو کیا احکام دیئے ہیں؟ किन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है किन चीज़ों के करने से मना किया है उन सारी चीज़ों के बारे में तफसली गुफ्तु आपके सामने आ रही है अब तक हमने अल्लाह तआला के बहुत सारे खिताबात को अपने सामने रखा मुफसल अंदाज़ में उसको समात किया हम आगे बढ़ते हैं या अय्युहल लदीन मनु सूरह नसा की आयत नंबर उन्नीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल लदीन आमनू ला आ लकुम अन अंतरीस नसा अका ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآن في يا ايها الذين امنوا اي بلغو ايمان لكرك اي لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها तुम्हारे लिए किसी भी सूरत में यह हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ वला लितजहबू मा और तुम उनको अपने पास रोक करके रखो ताकि जो कुछ तुमने उन्हें दिया है तुम उसको पूरा वसूल कर लो पूरा हासिल कर लो ऐसा भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है इल्ला बिफाहिशति मुबीना है कि अगर वो औरत तुम्हारे पास रह करके जिना वगैरह जैसे फ़हश काम में मुलविस हो जाए तो तुम्हें इसकी इजाज़त है कि औरतों को छोड़ दो अल्लाह व तआला ने इस आयत में ज़बरदस्ती औरतों का वारिस बनने से मना किया जमाना जाहरीत में होता ही था बिन अब्बास तआला रदील्लानुमा बयान फरमाते हैं कि जब किसी शख्स की वफ़ात हो जाती थी तो उसकी जो बेवा होती थी उसकी जो औरत होती थी जो बेवा हो चुकी है लोग ज़बरदस्ती उसके वारिस बन जाते थे और उसको जकड़ करके रख देते थे उसको पकड़ करके रख लेते थे उसको कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी उसको किसी से शादी करने की इजाज़त नहीं थी अगर ये लोग चाहते यानी जो अलिया थे जो वारिसीन थे और आ, मर्द के जो रिश्तेदार थे अगर ये लोग चाहते तो उस औरत की किसी से शादी करा देते और अगर नहीं चाहते तो उस औरत को उनके पास ही रहना पड़ता और जो कुछ उसके पास माल है ज़बरदस्ती उसका वारिस बनने की कोशिश करते जो कुछ उसके पास माल है ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश करते अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को हराम करार दिया कहा कि ला ये हिलकुम अंतरीसुन नसा आकर रहा तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं है तुम्हारे लिए हलाल ही नहीं है कि तुम औरतों के तुम ज़बरदस्ती वारिस बन जाओ किसी औरत के शौहर की अगर वफात हो जाती है इस्लाम ने उसको आज़ादी दी है कि वो औरत अपनी इद्दत पूरी करने के बाद जिसके साथ चाहे वो शादी कर ले वो अपने वली को इस्तेमाल करें अपने वली को बीच में दाखिल करें और वली को साथ में रख करके वो जिससे भी शादी करना चाहे वो शादी कर ले जो शौहर उसका वफात पा चुका है उसके रिश्तेदारों का और उसके अलिया का किसी भी तौर पर यह हक नहीं है कि वो उस औरत को रोक करके रखें या उसको शादी से मना कर दें अल्लाह सुबहान तार ने जमान जाहिरियत की इस रस्म को ख़त्म किया अल्लाह ने फरमायाबा बबाशर न बिलमआरूफ बल्कि औरतों के साथ हंसन सलूक करना चाहिए औरतों के साथ अच्छी बुदोबाश इख्तियार करना चाहिए उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए चाहे वो औरत आपकी माँ की शक्ल में हो चाहे वो औरत आपके वालिद की बेवा की शक्ल में हो चाहे वो औरत आपकी बहन की शक्ल में हो चाहे वो औरत आपकी बेटी की शक्ल में हो और खुसूसी तौर पर जब वो औरत आपकी बीवी की शक्ल में हो तो आश्रुहन नबिलमाफ़ औरतों के साथ अच्छाई का मामला करना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज मुतहरात के साथ जो ज़िंदगी गुजारते थे वो बिल्कुल आइडियल ज़िंदगी थी एक मिसाली ज़िंदगी की ऐसी ज़िंदगी की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता उस ज़िंदगी की कोई नज़ीर नहीं पेश कर सकता कोई इंसान नबी सलाम एक साथ आप नौ बीवियों के साथ रहा करते थे बीवियों के दरमियान मामलात भी हुआ करते थे लेकिन उसके बावजूद आप आपसलम ने उनके साथ ऐसी ज़िंदगी इख्तियार की कि कभी भी कोई शिकायत सुनने को नहीं आई हताशा रदी अल्लाह तआला आप आपके अखलाक़ की, अखलाक की तारीफ़ कर रही हैं हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला जो जो आपकी पहली बीवी थी वो आपके अख्लाक की तारीफ़ कर रहे हैं सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके घर वाले उसकी तारीफ़ करें जिसकी बीवी उसके अखलाक की तारीफ़ करे कि ये बंदा अच्छा है सरमिल माजा की एक रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये कैसे पता चले कि मैं अच्छा इंसान हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ तुम अपने पड़ोसी से पूछ लो अगर वो कहता है कि तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो लेकिन अगर वो ये कहता है कि तुम बुरे हो तो फिर तुम बुरे हो क्योंकि पड़ोसी जो है वो आपके आदात और अतवार को ज़्यादा बेहतर जानता है आपके मामला कैसे हैं आपका अखलाक कैसा है वो ज़्यादा बेहतर जानता है तो जब पड़ोसी को नबी आ रही सलाम तो ने आपके अच्छा होने या बुरा होने का मैार करार दिया तो वो बीवी तो और बड़ी मैार है जो बीवी आपके साथ रहती है उस वक्त भी आपके साथ रहती है जब दुनिया का कोई भी इंसान आपके साथ नहीं रहता उस वक्त वो आपके साथ रहती है तो इसलिए आशिर नबालमाूफ औरतों के साथ अच्छाई के साथ ज़िंदगी गुजारा करो अल्लाह के रसूल सल्ह वसम ने फरमाया खी रुकुम खई रुकुनली अहली ही व अन खई रुकुमली अहली तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हों और मैं तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए लोग जो हैं वो बाहर जब निकलते हैं तो बाहर अपने अखलाक का और अपने किरदार का ऐसा मुजाहरा करते हैं कि लोग उनको वलीउल्लाह समझते हैं लोग ये समझते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला का मुकर्रब बंदा है, लेकिन यही इंसान जब अपने घर जाता है तो सबसे ज़्यादा बदखुल्क और सबसे ज़्यादा बुरा इंसान बन जाता है गालियाँ देने वाला बन जाता है मार पीट करने वाला बन जाता है बेकार में गुस्सा करने वाला बन जाता है ऐसा इंसान अल्लाह को पसंद नहीं है खैरुकुम खैरुकुम खी अहली तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर ना हो सके वो बाहर वालों के साथ कैसे बेहतर होगा नए लोगों के साथ तो हर इंसान अच्छाई के साथ पेश आता है उनके साथ हर इंसान हंस करके बोलता है उनकी खैर खैरियत पूछता है उनको चाय पिलाता है और उनके साथ दूसरे मामलात करता है ये हर एक इंसान का हर एक इंसान के साथ मामला होता है असल आपकी पहचान क्या है असल आपकी पहचान आपके घर से होती है लिहाज़ा अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश करें और खास तौर पर औरतों के हकूक का ख्याल रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि ऐ यून्नास कि ऐ लोगों तुम औरतों के हकूक़ की हिफाजत करो इस बिन निसाए औरतों के साथ बेहतरीन मामला किया करो तुमको वसीयत की जाती है कि तुम औरतों के साथ खैर के काम करो फ़ैन नुम अखस्त वस्तल तुम फरूज नबी करी मतल क्योंकि तुमने उन औरतों को अल्ला रबुलबीन के हिफाजत में लिया है ये औरतें तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से अमानत हैं और अमानतों की हिफाजत की जानी चाहिए इंसानों की अमानत की भी हिफाजत की जानी चाहिए लेकिन अगर वो अमानत अल्लाह सुबहान की हो तो उसकी तो और ज़्यादा कदर होनी चाहिए और ज़्यादा हिफाजत होनी चाहिए वस्तल तुम फ्रूजनबी करीमतिल्ला और तुमने उनके शर्मगा को अल्लाह के करमे यानी इस्लाम की वजह से तुमने उनको हलाल किया तो अल्लाह सुबहान इन औरतों को तुम्हें बतौर अमानत दिया है लिहाजा इन औरतों का ख़्याल रखो इनके साथ अच्छाई का मामला करो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वाशरुहुन नबिलमूफ कि औरतों के साथ बेहतरीन तौर पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो आगे अल्लाह ने फरमाया फ़ाइन करी लेकिन अगर तुम अपनी औरत को नापसंद करने लगो और ये होता है कि औरतों की अच्छाइयाँ तो होती ही होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मर्द को बहुत ज़्यादा नाराज़ करने वाली होती और एक वक्त के बाद मर्द को औरत के अंदर सिर्फ़ बुराइयाँ ही नज़र आती हैं आए भी नज़र आता है अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती तो अल्लाह सुबहान फरमाया कि अगर ऐसी सिचुएशन में तुम पहुंच गए ऐसी हालत तुम्हारी हो गई कि फ़इन इन करी तुम्ना तुम अपनी औरतों को नापसंद करने लगे तो एक बात याद रखो फा तक आज ही खैर कसीरा कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करोगे लेकिन अल्लाह सुबहान उसी में तुम्हारे लिए खैर कसीर रखा होगा उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी होगी हमें नहीं मालूम है कि किस चीज़ में बेहतरी है और किस चीज़ में बुराई है अल्लाह सुबहान तआला ज़्यादा बेहतर जानने वाला है लिहाजा औरत जो है वह औरत हर तरह से सरापा शर तो नहीं है उसके यहाँ अगर कोई ख़ामी है कोई ख़राबी है तो उसकी अच्छाइयाँ भी होंगी चुनाव शेख हदीस में नबी सलाम ने फ़रमाया अबू हुर रदी अल्लाव हदीस हैं आप सल् व फरमाए किला ये फ़रक मिनतन इन करी मिन खुलन रदिन आखर कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत ना करे और यहाँ पर शोहर और बीवी का जिक्र किया गया कि कोई शौहर जो मोमिन हो अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे उससे बुज ना रखे वजह क्या है इनकर हम शईन और मिन, हा मिन आखर अगर वो उसकी एक चीज़ को नापसंद करेगा तो कुछ चीज़ें उसकी ऐसी भी होंगी जिनको वो पसंद करेगा तो हमें हमेशा मुस्बत पहलू रखना चाहिए मस्बत फ़िक्र रखनी चाहिए और अगर हम मुसबत तौर पर सोचेंगे कि इस बीवी के अंदर भलाई क्या है इस औरत के अंदर अच्छाई क्या है तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ये नौबत नहीं आएगी कि इंसान उनको टॉर्चर करे या उनको मारें या उनके साथ गलत सलूक करें इसलिए अल्लाह ने फरमाया शुरुआमाफ अच्छाई के साथ उनके साथ ज़िंदगी गुजारो अगर नापसंद करते हो तो अल्लाह सुबहान्न व तौर की ज़ात पर उम्मीद रखो हो सकता है कि तुम उनको नापसंद करते हो लेकिन अल्लाह सुबहान तै ने उसी में तुम्हारे लिए खैर कसीर रखा हो तो अल्लाह सुबहाना तैयार ने इस आयत के अंदर या यादीन आमनु कह करके औरतों के ऊपर जो ज़्यादती हुआ करती थी जमान जाहलीत में और आज भी अगर झ्यादती कोई शख्स करता है अल्लाह सुबहान उसको सख्त तंबी की है और औरतों के साथ अच्छे से मिल के ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया क्योंकि एक मर्द औरत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता एक मर्द को औरत की ज़रूरत है औरत को मर्द की जरूरत है और इन्हीं से एक माशरा आगे बढ़ता है लिहाजा अगर मर्द औरतों से नफरत करने लगे औरतें मर्दों से नफरत करने लगें तो फिर मुआरह आगे कैसे बढ़ेगा ये नस्ल जो है ये आगे कैसे बढ़ेगी और दुनिया के जो सारे हैं वो कैसे तय पाएंगे लिहाजा अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारो और कभी भी उनके साथ ज्यादती का मामला ना करो इसके बाद हम अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं يا أيها الذين آمنوا کہہ کر الله سبحانه وتعالى نے ایک اور خطاب کیا آیت نمبر 29 سورة نساء کی اللہ فرما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا آية نمبر 29 اور 30 سورة نساء کی اللہ رب العالمين نے ان دونوں آیتوں میں ہمیں دو اہم حکم पहला हुक्म अल्लाह ने फरमाया फरमायादी न आनु ए वो लोगों जो ईमान लेकर के आए ला अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाया करो बातिल तरीक़ा क्या है बातिल तरीके की तफसीर करते हुए बाद मुफसर ने कहा कि जैसे इंसान सूदी मामला करके किसी का पैसा खाए अगर आप सूदी मामला करते हैं किसी को आपने कर्ज दिया है सूद पर तो ये बातिल तरीके से किसी का माल खाना इसी तरह से केमार यानी जुआ जिसको गैम्बलिंग कहा जाता है अगर आप ये गेम खेल रहे हो आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो सामने वाले का जो माल है आप बातिल तरीके से खा रहे हो आज के ज़माने में उसकी सूरतों में से इंश्योरेंस एक सूरत है जब इंसान इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है पैसे जमा कर रहा होता है और जिस चीज़ के लिए उसने इंश्योरेंस लिया है वो चीज़ नहीं हुई तो उसका पैसा कंपनी के पास चला जाता है कंपनी उसका माल बातिल तरीके से खा रही क्योंकि कंपनी को उसके माल के खाने का कोई हक नहीं तो बई जो भी अमवाल जो हो बातिल जो भी सूरत हो किसी भी सूरत से अगर माल खाया जाए तो वो चीज़ हलाल नहीं चाहे चोरी के जरिए से हो डकैती के जरिए से हो सूद के जरिए से हो जिना के जरिए पैसे कमा करके हो या जिना की वजह से पैसे दे करके हो या ले करके हो ये सारी सूरतें अल्लाह तआला ने हराम करार दी है उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इल्ला अन अन मिनकुम इल्ला अः कि तिजारत हो जो तुम्हारे दरमियान आपसी रजामंदी से हो यानी तिजारत अगर तुम कर रहे हो और आपसी रजामंदी से तिजारत कर रहे हो और उस तिजारत की वजह से जो माल तुम्हें हासिल हो रहा है तो वो माल तुम इस्तेमाल कर सकते हो ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब लोगों को बातिल तरीक़े से माल खाने से मना किया जाता है तो वो वही इश्काल पेश करते हैं जो तजारत में हैं मिसाल के तौर तो पर अगर सूद लेने से मना किया जाए और ये कहा जाए कि भाई सौ रुपए कर्ज में दे करके एक सौ दस रुपये मत लो तो वो ये कहते हैं कि में भी तो यही चीज़ पाई जाती है आपने कोई सामान खरीदा सौ रुपये में और आप मार्केट में उसको ले जा के एक सौ दस रुपये में बेच रहे हो तो जैसे आप दस रुपये वहाँ पर फ़ायदा हासिल कर रहे हो उसी तरह से हम यहाँ पर बैठ करके दस रुपये का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं अल्लाह सुबहाना तारा ने इसी इशकाल के जवाब के लिए कहा कि ये जो बातिल तरीके से माल खाना है ये तजारत में नहीं शामिल हो सकता ये तजारत में दाखिल नहीं हो सकता क्यों क्योंकि तजारत को अल्लाह सुबहाना तैयार ने हलाल करार दिया और ये तजारत आपसी रजामंदी के साथ हो रही अल्लाह ने फरमाया सर बकर वहब वर्रमर्र रिबा अल्लाह रब्लिन ने ब को हलाल किया और सूद को हराम किया अल्लाह सुबहान तारा ने यह बात क्यों कही क्योंकि जब अल्लाह ताली ने उनको सूद से मना किया और ये कहा लदीन ऊन रबा ला क़ूम नमा यक़ूम लदी तहब्बत हुशैतान मिनलमस कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस तरह से खड़े होंगे इस तरह से उठाए जाएंगे कि गोया कि शैतान ने उनको छू करके खबती कर दिया है मजनून कर दिया है वजह क्या होगी जैली कभी अनुमाल मलबा ये इस वजह से कि ये लोग कहा करते थे कि बै भी सूद के जैसे आप ख़रीदो फरोख्त करके जैसे फ़ायदा हासिल करते हो हम पैसे दे करके वैसे फ़ायदा हासिल करते हैं अल्लाह सुबहाना तैाल ने कहा कि तुम्हें इस तरह से फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क है और वो क्या है व अहल्लाबरम रिबा कि अल्लाह ने बे को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि अल्लाह ने एक को हलाल और एक को हराम करार दिया उसी की बात अल्लाह ने की यहाँ पर कि किलाकून तजारत अन तरा को अगर तिजारत है और आपसी रजामंदी से वो तिजारत हो रही है तो उसमें जो इंसान फ़ायदा कमाता है उस फ़ायदे को हासिल करने की इजाज़त है उस फ़ायदे को इस्तेमाल करने की इजाज़त है तो अल्लाह व तआला ने पहला हुक्म ये दिया कि आप लोगों के लिए जायज ही नहीं है कि लोगों का माल बातिल तरीके से खा जाओ आज के ज़माने में लोग बिज़नेस प्रपोज़ल के नाम से बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीक़े लेकर के आ रहे हैं जो तरीक़े इंसान को लुभाने वाले होते और एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से हमने बिज़नेस किया और फला के बिज़नेस में हमने इन्वेस्ट किया पैसा अपना लगाया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हालांकि ये लोग जो बिज़नेस प्रपोज़ल लेकर के आए हुए होते हैं उनके पास बिज़नेस का कोई प्लान नहीं होता बस लोगों के जेबों से पैसा निकाल करके उसका गलत इस्तेमाल करना होता है ये भी लोगों का माल बातिल तरीके से खाने की सूरतों में से एक सूरत है लिहाजा इन चीज़ों से भी इंसान को परहेज़ करना चाहिए यह पहली चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ दूसरा हुक्म जो अल्लाह सुबहान तआला ने दिया या दूसरी चीज़ जिससे अल्लाह ने मना किया वू अनफ सकुम और अपने नफ्स को कत्ल मत करो अपने नफ्स को कत्ल करने में दो चीज़ें शामिल हैं पहली चीज़ ये कि खुद इंसान अपने आप को कतल ना करे और दूसरी चीज़ ये कि इंसान दूसरों को कतर ना करे क्योंकि दूसरे को कत्ल करना भी अपनी ही जैसी जान को कत्ल करना है पहले जो ममानात हैं यानी अपने नफ्स को कतल ना करो इसको सुसाइड कहा जाता है इसको खुदकुशी कहा जाता है अल्लाह अल्ला व तआला ने ख़ुदकुशी करने से भी मना किया अल्लाह ने क्या फ़रमाया वला तफ सकुमु अपने आप को कतल मत करो उन काना बिकुम रही अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करने वाला है रहम करने से माना क्या है रहम करने का माना ये है कि इंसान सुसाइड कब करता है खुदकुशी कब करता है जब उसको लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है मैं जिस चीज़ को हासिल करना चाहता था वो चीज़ मुझे नहीं मिली अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहीम है तुम अल्लाह रब्लाबीन के रहमत के वास्ते से अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को आसान करेगा ख़ुदकुशी किसी मसले का हल थोड़ी है ला तख्तरुनफ सकुम इसलिए ने फरमाया फल कामा अगर कोई शख्स इस काम को करता है इस काम में बातिल तरीक़े से माल खाना भी शामिल है और अपने आप को कत्ल करना भी शामिल है सरकशी करते हुए ताते हुए उमैफाल कामा फ़सऊनसली नारा अल्लाह ने फरमाया हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे अल्लाह के रसूल सल्ला व्लम की एक हदीस है आपने फ़रमाया अब हरियालानावी हदीस है उसमें आपलम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी ऊंची जगह से कूद करके अपने आप को मार ले, खुदकुशी कर ले, अल्लाह तआला कयामत तक उसको इसी अजाब में मुब्तला रखता है और वह ऊपर से कूदने के बाद अपने आप को अजाब देगा इसी तरह से अगर किसी शख्स ने किसी हथियार के ज़रिए से अपने आप की जान ले ली खुदकुशी कर ली सुसाइड कर लिया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इसी तरीके से अपने आप को अजाब देता क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से अगर किसी शख्स ने जहर पी करके अपनी जान ले ली सुसाइड कर लिया अपनी जान को ख़त्म कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहर देगा और वो जहर पिएगा और इसी तरह से वो अपने आप को क़यामत तक आदाब देता रहेगा अलगरज़ अगर कोई शख्स किसी भी ज़रिए से अपने आप को हलाक करेगा किसी भी ज़रिए से अल्लाह व तआला उसी ज़रिए से उसको आदाब देता रहेगा लिहाजा सुसाइड करना ख़ुदकुशी करना ये किसी मसले का हल नहीं है बल्कि ये एक कबी फैल है और ये कबीरा गुनाह है जैसा कि अल्लाह रबी ने आयत में भी इसके तल्लु से वईद बयान फरमाई और हदीस में भी इसके तल्लु से वहीद बयान की गई है सुसाइड इंसान कब करता है जब उसका ईमान कमज़ोर होता है तकदीर पर ईमान कमज़ोर होता है इसी वजह से अल्लाह रबी ने जो तकदीर बनाई है तकदीर पर ईमान रखना ये हमारे लिए बहुत बड़ी नहमत है अमानबाल क़दर बहुत बड़ी नहमत है अगर कोई इंसान सही तौर पर तकदीर के मसले को समझ जाए तो वो कभी भी सुसाइड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता वो जजा फज़ा ही नहीं कर सकता क्योंकि जब भी वो किसी भी ताल्लुक से डिप्रेशन का शिकार होगा कभी भी वो परेशान होगा तो फ़ौर वो तकदीर पर ईमान रखेगा और अल्लाह व वाली की ज़ात पर भरोसा करने लगेगा कि अल्लाह रबालबी ने यह मेरे लिए मुकदर कर रखा है अल्लाह सुबहान ये मेरे लिए फ़ैसला है और आगे वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए वो आगे और भी काम करेगा और उसकी वजह से उसके मसाइल आसान हो जाएंगे लिहाजा सुसाइड कोई मोमिन कर ही नहीं सकता इसलिए अल्लाह ने फरमाया फरमाएल तख्तरफम ए ईमान वालो तुम अपने आप को कत्ल मत करो तुम हलाकत के करीब भी मत जाओ और हलाकत के करीब जाने में एक, एक चीज़ ये भी शामिल है कि इंसान कोई ऐसा अमल भी ना करे जिसकी वजह से आम तौर पर इंसान मरता तो नहीं है लेकिन मर सकता है ऐसा अमल करने से भी मना किया गया चनानचे उसकी तइद में एक रिवायत है कि एक सहाबी रसूल वसल्लम ग़ज़वे ज़ातुस सलासिल में उनको अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया था और वो लोगों को नमाज़ पढ़ाया करते थे अब एक रात ऐसा हुआ कि वो जुम्बी हो गए जनाबत की हालत में सुबह की और जब उठे तो उनको लगा कि मैं नापाक हूँ अब उन्होंने देखा कि जो रात है बहुत सर्द रात थी और उनको ख़दशा हुआ कि अगर मैंने पानी इस्तेमाल किया तो मैं मर भी सकता हूँ लिहाजा उन्होंने तयम किया और तयम करके अपने साथियों को नमाज़ पढ़ा दी साहब कराम नज़ाम ताली ने मजमाइन ने नबी सल्ला वरम से जब मुलाकात की आपसे ये पूरा माजरा कह सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ कि फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसा किया कि उन्होंने जनाबत की हालत में थे तैयम किया और तयम करके हमें नमाज़ पढ़ा दी अल्लाह के रसूल सल्लव वसलम ने उनसे पूछा कि क्या आपने ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सर्दी थी वो सर्दी मुझे मारने को तैयार थी अगर मैं उस दिन गुस्ल कर लिया होता पानी इस्तेमाल कर लेता तो मैं मर जाता नबी अलीसम के सामने उन्होंने इस आयत को भी पेश किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वला काना बिकुम कि अपने आप को कत्ल मत करो अल्लाह व तआला तुम्हारे ऊपर रहम करने वाला है तो जब अल्लाह ताला ने सुसाइड करने से मना किया ख़ुदकुशी करने से मना किया तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि मैं पानी इस्तेमाल ना करूं, मैं तैयम करके मैं नमाज़ पढ़ा दूँ जब नबी सलाम के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और दलील के साथ बात रखी तो अल्लाह के रसूल सल्हसम हंसने लगे इस हदीस से मालूम यह हुआ कि जहाँ वाज तौर पर इंसान के लिए मना है कि वह खुदकुशी करें वहीं ये चीज़ भी ममनू है कि वो कोई ऐसा अमल करे जो अमल उसको मौत की तरफ ले करके जाए जो अमल उसको हलाकत की तरफ़ ले करके जाए जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वला वातुल्क आईदी इला अलुका कि अपने आप को हलाकत की तरफ ले करके ना जाओ तो वला तक्तुल अनफुसकुम का एक मफहम यह है कि इंसान खुदकुशी ना करे दूसरा मफह यह है कि इंसान अपने अलावा दूसरे जानों को भी ना मारे दूसरे इंसानों का कत्ल भी ना करे क्योंकि किसी इंसान का कत्ल करना वो अपने नफ्स के कत्ल करने जैसा है अल्लाह रबी ने फ़रमायादा फ़ज़ा जहनमदीबल अल्लाह रबी ने फ़रमाया कि जो शख्स किसी मोमिन को जान बूझ करके कत्ल कर दे मोमिनम मतम्मिदन फ़ज़ जहन्नम तो उसकी सज़ा जहन्नम है खालिदन फ़ीहा वो उसमें हमेशा हमेश रहेगा वौदीबल्ल आल अल्लाहबी का ग़ज़ब उसके ऊपर नाजिल होता है वाल हूँ और अल्लाह तआला की लानत उसके ऊपर होती है व लहु अजाबन अज़ीमा और अल्लाह व तआला ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह आलमीन ने कातिल के बारे में जो सज़ाएँ और जो अज़ाब का तस्करा इस आयत में किया पूरे कुरान करीम में कहीं भी अल्लाह अल्ला व तआला ने किसी भी गुनाह के हवाले से इतनी सख्त बातें बयान नहीं फरमाई इससे पता ये चलता है कि दूसरों को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है इंसान को इससे बाज आना चाहिए आज अफसोस की बात है कि देखा ये जा रहा है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे नज़र आ रहे हैं लोगों के लिए कत्ल करना एक आम सी बात हो गई है लोगों के लिए किसी का मर्डर करना किसी का खून बहाना एक मामूली सी चीज़ बन करके रह गई और मैं यहाँ एक अहम चीज़ की तरफ़ इशारा करना चाहूँ कि अल्लाह आलमीन ने यादी आमनू कह करके हम सबको खिताब किया हम अहल ईमान को ये खिताब है हम मुसलमानों को ये खिताब है और मुसलमानों को इससे मना किया गया है कि हम एक दूसरे को कतल ना करें तो हम मुसलमानों को ये चाहिए कि हम इस चीज़ से बाज आएँ और हम में से बाद मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं ग़ुस्से की हालत में कि अगर मैं फ़लाँ को कत्ल कर दूँ तो मेरे साथ क्या होगा दो चार साल की जेल होगी मैं दो चार साल की जेल बर्दाश्त करके मैं आ जाऊँगा मुसलमानों को यहाँ पर एक बात को याद रखना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के कानून का अहतराम करते हैं इज्जत करते हैं लेकिन हम सही तौर पर सही कानून अल्लाह हबीन को ही मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि किसी को कत्ल करना ये कबीरा गुना है उसके ऊपर कसास है या दियत है या माफी है ये सारे हदूद नाफिज़ होते हैं जितने भी मामलात हैं जितने भी हदूद हैं वो शर्यी हदूद मुसलमान उनका पाबंद है अगरचे हम उसको नाफिज नहीं कर सकते लेकिन हम उन हदूद का पाबंद अपने आप को समझें कि हम उन हदूद के पाबंद हैं और जब हम उन हदूद के पाबंद अपने आप को समझेंगे तो मुमकिन है कि वो चीज़ हमें इन चीज़ों से रोकने वाली होगी तो लिहाजा कत्ल करना एक कबीरा गुना है चाहे वो इंसान अपने आप का कत्ल करने वाला हो चाहे वो किसी और का कत्ल करने वाला हो लिहाजा उससे बचना चाहिए तो अल्लाह इस आयत के अंदर दो अहम हुक्म दिए पहला हुक्म ये दिया कि आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े से मत खाओ और दूसरा ये अल्लाह व तआला ने फरमाया कि अपने नफ्स को कत्ल मत करो क्योंकि तुम्हें अपना नफ्स का कत्ल करना यह एक ऐसी सरकशी का काम है यह एक ऐसे जुल्म का काम है जिसके करने वाले को अल्लाह अला व तआला जहन्नम में दाखिल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि आलमीन तो हम सब की हिफाजत फरमा आलमीन तो हमें हलाल कमाने और हलाल खाने की तौफीक अता फ़रमा आलमीन तो हम सब को अपने और दूसरों की जानों की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमा आमीन व आखिर दुआना आखरुदावाना अलहमदुल्ल رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسه هي اور वीडियोस बनाने में हमारी